इस करके सारी पब्लिक दे मन बना चुकी है कि इस बार असी इन्हों जिहड़ा एक बार मौका देना और मैं भी ये अपील करूँगा सारिआं नूं कि एक बार इन्हों जिहड़ा 5 साल दे लई शम्मी जी नूं जरूर मौका देण तां कि पिंड दा जिहड़ा विकास है वह हो सके। क्यों अज प्यो जी जिहड़ा बंदा कम करता है जो भी बंदा कम करता डिवेलपमेंट दे पिंड दे उहनूं प्योरिटी दिंदे लोग और 5 साल दे विच बाऊ पृथ्वी राम जी ने बहुत वधिया डिवेलपमेंट की साडा खटाणा परिवार जे कहां गौशाला तो लैके वीडियो बस्ती भागूवाला तक 3 किलोमीटर के एरिए है। जे इस एरिए की गल करिए 15-20 गलियां ऐसा है जिहड़ियां साडियां सदियों तो पेंडिंग पईआं थी और वह सारिया ही दियां सारिया कैंडीडेट सी है ना। इस बार इन्हे मोढ़े के मोढ़ा जोड़ के खड़े किस लिए खड़ा ये भी एक सोचने की गल है विचारन की गल है। जरूर विचार करो जिन्हें भी देखते हैं पंजाबी 365 सारे इस गल का विचार जरूर करया करो कि जे एक कैंडीडेट मोढ़े के मोढ़ा जोड़ के अच्छ उन्होंने नाल खड़ा विरोधी यही तो पर अज के टाइम जो कहते ना चाचे ने इलैक्शन तो बाद किसी नाल भी विपता नहीं किया है जो भी बीबिया के कोई होर काम से किसी भी लैवल से किसी ना फर्क नहीं किया। हिसाब ना मैं पिछली बार खुद कैंडीडेट था और इलेक्शन असी लड़िया बाबू पृथ्वी राम जी के नाल बराबर आ एक लेकिन उन्होंने एक अपनी क्वालिटी थी उस क्वालिटी क्या थी कि हमेशा ही वह मैनू सम्मान देने दे। इलेक्शन लड़ना कोई बड़ी बात नहीं वो मैं सम्मान देने दे। और एग्जाम्पल इस तरह की है कि भाई वो हो सकता उन्होंने अपना कोई निजी काम के जो असी किसी गल उन्होंने बेनती की तो प्रॉपर विरोधी होने के नाते भी उन्होंने कहा गिरधारी लाल जी थोड़ी मैं गल सतिकाल असी पहुंचे हैं पिंड रत्याल क्योंकि रत्याल पिंड बहुत मशहूर है। पिछली बार भी तुसी पंजाबी 365 ते इन्हां दीआं गतिविधियां देखी होणियां कि पिंड दीआं बहुत सारे काम इन्होंने करवाए सी हुण फिर इस वेले सरपंची की चोण लड़ रहे हैं तो इन्हां दा चोण निशान है ट्रैक्टर केवल कृष्ण शम्मी जी। पिछली बार क्योंकि पिंड दे विच सारिआं नूं ज़्यादा शड्डां इन्हां ने बणाईआं सीआं एक चर्चा का विशा होया सीगा ते बहुत सारियां गलियां नालियां बहुत सारा कुछ इन्हां ने बनाया सी उदों भी पूरा साल इन्हां दा एक चर्चा होई सीगी। चर्चा इस गल दी भी होई सीगी जिहड़ियां हलका बलाचौर दे विच पिंड रत्याल दे विच सारिआं नूं ज़्यादा शड्डां बणीआं सी ते हुण फिर चोण दे विच है क्योंकि इन्हां दा चोण निशान ट्रैक्टर है। बजुर्गां तों पुछदे आ कि किहड़े काम रहि गए सीगे पिंड दे हुण किहड़े करन वाले आ। देखो जी पिंड दे जिहड़े डिवेलपमेंट वाले काम ते ओह काफ़ी सारे हो गए लेकिन किसी भी चीज़ का अंत नहीं हुंदा है हमेशा जगह रहिंदी है उहदे च इंपरूवमेंट करन दी है। जिस तरह साडा जिहड़ा मेन बस अड्डा है वो चाहे लोगों को तो ऐं लगता भी सारा कुछ कंप्लीट हो गया लेकिन असी सैटिस्फाइड नहीं हैंगे उहदे नाल असी कोई ओपन जिम बनावांगे पार्क बनावांगे जिहदे च बजुर्ग आदमी शाम नूं मेरे वर्गे जाके उत्थे बैठ सकन बच्चे अपनी कसरत कर सकन। फिर है कि साडे ग्राउंड नहीं है जिहदे च बच्चे के डिफेंस विच जाण वास्ते अपनी या पुलिस जाण वास्ते अपनी तैयारी कर सकन उसका भी शम्मी ने बहुत अच्छा प्रबंध किया है। सानू किसी को पता ही नहीं था इन्होंने तकरीबन 4-5 किले जिहड़े रिजर्व दे हैं स्पेशली साढ़े इस एरिए वास्ते छड़े हुए हैं फॉर जनरल परपस यूज वास्ते उत्थे साडा एक किस्म का विचार तो बहुत अच्छा स्टेडियम बनाने का है पर लेकिन टू स्टार्ट विद असी इदा का करांगे ताकि बच्चे उत्थे अपनी प्रैक्टिस पूरी कर सकन और जब वो भर्ती वास्ते जाण तो उन्होंने कोई कष्ट ना होवे। एक ट्यूबवैल सिंचाई का होर इस एरिए लगाता एक पानी पाने का इसे महल्ले लगाता है तो ये भी जोड़ा साडा मेन पिंड ट्यूबवैल तो वाटर सप्लाई का सेगा पीने वाले पानी का उहदा भी प्रैशर घट हो गया है। होर भी कई चीज़ा हैं कि असी जिस तरह मैं इतने जोड़ा साडा स्कूल है सीनियर सैकेंडरी स्कूल ये स्मार्ट स्कूल सानू मिल गया सी मैं इतने का भी 4 साल चेयरमैन रहा जिद असी खासकर कंप्यूटर लैबा बनाईया हैं ऑफिस जोड़े सके वह नहीं सी प्रॉपर वह बनाए एक मेन हाल बनाया जिद कि सारे टीचर बैठ के कोई भी जो बाहर तो आवे या अंदर किसी ने कोई कहना होवे उत्थे एड्रेस कर सकते हैं उन्होंने उत्थे स्पेशली शौचालय वाल बड़ा ध्यान दिता गया है वह भी सारे कंप्लीट हो गए हैं। क्योंकि कम
बजुर्गों ने दसिया काम बहुत सिखरां ते आ सोच इस वेले बहुत सिखर ते पहुंची हुई है। पिछले काम भी इन्हां दे गिणावांगे, गिणती करनी भी चाहिए आ क्योंकि जे काम किए आ तो गिणने चाहिए आ, जे नहीं किए तो फिर पब्लिक दसदी आ कि आह काम नहीं करवा होए। तो नाल ही जिहड़ी हुण सोच दी मैं गल दसदा सीगा कि पहलां जे बस अड्डा तुसीं देखिआ तो बस अड्डा बहुत वधिया बनाया होया क्योंकि नाल लैटरिंग टॉयलेट टाइलां अच्छियां लगियां होईआं, उह दिखदा तुहानूं। कोई हिडन काम कोई नहीं है, जे काम किए आ तां इन्हां नूं वोट मिल जाणी आ। तो क्योंकि असी भी बहुत बार कवरेज की इस पिंड की, कई वेले जिहड़े टुटे हुए रोड सी आ सड़क, यह भी इन्हां दे ध्यान विच लैणा चाहुंदे आ कि रोड जिहड़ा सी आ रह गया सी इस बार जरूर, क्योंकि जे असी आने बलाजोर तो रत्तेआल पिंड बहुत बड़ा पिंड है, जे आने तो रोड टुटे हुए आ, चाहे इन्हां दे उह अधिकार खेत्र विच नहीं आ ना, पर वो पिंड ते आण लई जे विधायक है जां MP है उन्हां तों फंड जरूर डिमांड करन। ते नाल ही मैं गल करदा कि पिछले जिहड़े काम सीगे तुसीं उहदे नाल किन्ना कु सहमत हो? शाम जी, पंजाबी 365 चैनल वालों का रत्ते वाल आने ते स्वागतम करते हैं कि तुसीं कीमती समां कढ के साडे पिंड पधार रहे हो। रही गल इलैक्शन मुहिम की, इलैक्शन के हिसाब न मैं पिछली बार खुद कैंडीडेट था और इलैक्शन असी लड़िया बाबू पृथ्वी राम जी के नाल बराबर आके एक, लेकिन उन्हां दी एक अपनी क्वालिटी थी, उस क्वालिटी क्या थी कि हमेशा ही वो मैनू सन्मान देंदे थे। इलैक्शन लड़ना कोई बड़ी बात नहीं, वो मैनू सन्मान देंदे थे। और उहदी एग्जाम्पल इस तरह की है कि भई वो हो सकदा उन्होंने अपना कोई निजी काम दे विच जो असी किसी गल उन्होंने बेनती की तो प्रोपर विरोधी होने के नाते भी उन्होंने कहा गिरधारी लाल जी थोड़ी मैं गल एक्सैप्ट करदा, उसते मैं प्रभावित होया। अगली गल यह है कि भई अगला युग जिहड़ा खत्म हो गया कि अगे आपां सरपंच बना देंदे थे, भावें वह डिवेलपमेंट के काम घट करता था तो भी आप कहते थे भी ठीक है यार सरपंच है ये वधिया आदमी है ये भला मानस आदमी है, वो पता नहीं कई कई गल्लां उन्होंने दे देंदे थे। नहीं, हुण युग क्या है, हुण युग यह है भी जिहड़ा बंदा काम करता है, जो भी बंदा काम करता डिवेलपमेंट के पिंड के उन्हें प्योरिटी देंदे लोग। और 5 साल के बाऊ पृथ्वी राम जी ने बहुत वधिया डिवेलपमेंट की, साडा खटाणा परिवार जे कहाँ गऊशाला तो लैके BDO बस्ती भागू वाले तक 3 किलोमीटर के एरिए दे विच है। इस जे इसे एरिए दी गल करिए तो 15-20 गलियां ऐसियां हैं जिहड़ियां साडियां सदियों तो पेंडिंग पईआं थीं और वो सारिया ही दियां सारिया कंप्लीट हो गई। बाऊ जी जी ने जो जिक्र किया है कि भई हमेशा डिवेलपमेंट की जगह रहिंदी है, जिन्ना मर्जी काम करी जाओ आस उत्थों ही की जाती है, जो बंदा ड्यूटी निभावे तो सरकार तो कुछ लैण की समर्था रखता होवे और अपने उहदे मन च कशिश होवे कि मैं खुद काम करके मेरी जिहड़ी ड्यूटी नगर ने लाई उहनूं पूरी करा। सो वो शम्मी जी दे विच मेरे देखण च और समाज की निगाह दे विच ये गल साबित हो चुकी कि काम करन लई इह वधिया तरीके नाल हर सोर्स इन्हां नूं दित्ता वा। जे किसी भी तरह की सोर्स की गल करिए फाइनैशली तौर पर टाइमली तौर पर नरमाई के तौर पर सारे गुण इन्हें बख्शे हुए है। सो इस करके सारी पब्लिक दे मन बना चुकी है कि इस बार असी इन्हों जिहड़ा एक बार मौका देना और मैं भी ये अपील करूँगा सारियां नूं कि एक बार इन्हों जिहड़ा 5 साल के लिए शम्मी जी नूं जरूर मौका देन तां कि पिंड का जिहड़ा विकास है वह हो सके, क्यों अज प्योरिटी विकास नूं। पिछली बार कैंडीडेट सीगा है ना, इस बार इन्हां दे नाल मोढ़े दे नाल मोढ़ा जोड़ के खड़े आ, किस लई खड़ा ये भी एक सोचण दी गल है, विचारण दी गल है, जरूर विचार करो। जिन्ने भी देखदे आ पंजाबी 365 सारे इस गल दा विचार जरूर करिया करो कि जे एक कैंडीडेट मोढ़े दे नाल मोढ़ा जोड़ के अज उन्हां दे नाल खड़ा है कि क्यों खड़ा। नाल इन्हां ने जिक्र किया कि जिहड़ियां इदां दीआं गलियां रह गईआं सी उह जिहड़ियां इन्हां ने बणवाईआं तां जरूर हल्लाशेरी देनी चाहीदी है, क्योंकि जे इन्हां दी सोच है सोच दा एक लैवल सीगा उह इन्हां ने कम करवाते, हुण अगे की है जदों असी चुणदे आ जरूर दोबारा उन्हूं मौका देना चाहिए आ, मौका इस करके देना चाहिए क्योंकि जो उन्होंने एक मैप बनाया हुआ एक अपना ब्लू प्रिंट बनाया हुआ कि आपां पिंड विच इह करना, तो इस बार 5 साल का मौका बाऊ जी कहिंदे आ कि जरूर दिओ उन्हां नूं, जे दित्ता तां जिहड़े काम है जिहड़े सोचदे आ कि उस अड्डे दे विच बस स्टैंड जिहड़ा बनाया हुआ उन्हूं होर सुंदर बनाया जाए, एक जिम बनाया जाए, तो जिहड़ा बिल्कुल देखो हरेक गल ते लोग भी इस गल दे गवाया क्योंकि जदों हर एक गल ते जदों कम कीते हुण ताड़ियां बजदियां तो गवाया इस गल दे कि सारे वोटर बैठे आ। ते नाल ही मैं इन्हां नाल गल करदा आ कि टाइम थोड़ा कीमती है पर ये गल्लां भी पब्लिक तक पहुँचाणियां बहुत जरूरी है।
की लगता कि अज इन्होंने इन्हों के नाल मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के करन दा प्रण किया ते जिहड़ी इन्हां दी सोच है कि पांच साल असी काम किया हुण पांच साल अगे फिर दिते जाण तुहानू लगता कि इन्हां दी सोच जिहड़ी काम करन लई इन्हां ने रखी हुई है बचाई हुई है इन्हां नू मौका जरूर देना चाहिए। इहदे विच शाम लाल जी 100% ये भाई साहब साडा असी बहुत क्लोज हाँ ये भी साडा बड़े भरा है साडे और हकीकत यही है भाई ये विरोधी इसे तो पर अज के टाइम जो कहते ना चाचे ने इलैक्शन तो बाद किसी नाल भी विकता नहीं किया है जो भी बीबिया के कोई होर काम तो किसी भी लैवल किसी ना फर्क नहीं किया तो यहाँ भी जानकारी हैगी भी पूरे बलाचौर ब्लॉक के साढ़े रत्तेवाल पिंड काम होया सब तो ज़्यादा और बदौलत ही चाचा तो साडा समाजिक काम ज़्यादा करता था जेडे बाकी काम ना जी थानू पता ही है दफ्तर चो किस तरह काम होंगे है तुसी तो जाणू है सारा ही मीडिया नूं तो ज़्यादा नॉलेज है साडू तो घट आना जाना होंदा है तो इस मुद्दे ते ही असी इलैक्शन है साडा असी हुण भी यही रिक्वेस्ट करते हैं भी देखो काम है साढ़े हजी साढ़े चाचे का भी एक सुपना था भी असी पिंड नूं सुंदर बनाईए वो यह सोच लैके चले भी जिहड़े काम भाई साहब ने भी दसे ना भी अधूरे रह गए हुए हैं अड्डे वाला साडा स्टेडियम का आ रोड ये रोड का भी प्लैनिंग का नाले का भी था चलो डैथ होने के करके एक टाइम सानू बहुत शॉर्ट मिलिया विच करोना आ गया साल पहले डैथ हो गई वो सानू प्रॉब्लम आ गई नहीं तो असी काफ़ी हद तक ना यह काम यह भी कर देना था ये भी साढ़े उदे भी ध्यान वेता पूरा अच्छे सीवर तुक की तैयारी थी वो टाइम नहीं मिले उस करके रह गया अच्छा पूरा इस बस्ती तो सीवर खड्ड च पा के आर एस सी बनाने वास्ते पूरा प्लैनिंग था साढ़ा। बिल्कुल जी